हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ओएस ब्लॉगर। तो दोस्तों, आज अचानक से प्लान बना और मैं दिल्ली से निकल गया रात के 11 बजे ट्रेन पकड़कर काठगोदाम के लिए, और काठगोदाम से कैब पकड़कर मैं निकल गया नैनीताल नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए। तो ये पूरे टूर को देखने के लिए हमारे साथ इस ब्लॉग में अंत तक बने रहिए और कीजिए कैंची धाम में स्थित बाबा नीम करौली का दर्शन। तो आइए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं दिल्ली टू कैंची धाम। कुछ दिन पहले जयपुर के कुछ हमारे मित्रों द्वारा प्लान बना के चलते हैं नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए। तो बिना विलंब किए हम लोगों ने ट्रेन में टिकट करा लिया था और यह आज शनिवार का दिन है और रात के 11 बजे हमको ट्रेन मिलेगी गाज़ियाबाद से। तो आज शनिवार ऑफिस से जल्दी निकलकर मैं आ गया था घर, और घर पे अपनी गाड़ी रख कर हमने ये ऑटो बुक कर लिया और ऑटो से हम जा रहे हैं गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन, क्योंकि गाज़ियाबाद पे जो ट्रेन है हमको काठगोदाम तक ले जाएगी रानीखेत, वो रात के 11 बजे मिलती है और दिल्ली में 10 बजे। तो आप देख सकते हैं ये रात के 11 बजे हम गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं और यहीं पर रानीखेत ट्रेन जिससे हम काठगोदाम तक जाएंगे वो आएगी, जो कि जयपुर की तरफ से आ रही है, और इसी ट्रेन में हमारे 3 साथी जयपुर से आ रहे हैं। तो वो लोगों को हम यहाँ पर सब एक साथ मिल जाएंगे और फिर हम लोग अपनी आगे की यात्रा आरम्भ करेंगे। तो आप देख सकते हैं रात के 11 बजे गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पर ये आ गई रानीखेत एक्सप्रेस, और इसी ट्रेन के माध्यम से हम करेंगे बाबा नीम करौली के दर्शन। तो ये आप देख सकते हैं, और ये गाज़ियाबाद से ट्रेन खुल चुकी है और सुबह के लगभग 4-4:30 बजे काठगोदाम पहुंचा देगी। और ये देख सकते हैं पूरे साथी ये ट्रेन में बैठे हुए हैं, और हम लोग खाने के लिए हमने घर से डिलीवर मार के हम लोग लेकर आ गए थे और यहाँ पर सभी खाना खा रहे हैं। चरणों में जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं। इनसे कई बार कहा हम लोगों ने कि आओ दर्शन करो, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। जब इनके थोड़े से उल्टे दिन चले हैं तो बाबा के चरणों में जा रहे हैं। परी की सब्जी खाते हुए हमारी बॉडी ने परी की सब्जी भेजी है, पूरी भेजी है, आनंद ले रहे हैं। देखिए चेहरा, देखिए इसकी स्माइल कर रहे हैं, क्या देखो उसको आनंद आ रहा बाबू, आनंद आनंद। और ये सुबह के 4:30 बजे हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम। ये आप देख सकते हैं काठगोदाम ये रेलवे स्टेशन, हम टाइम से 4:30 बजे सुबह सुबह ट्रेन हमको पहुंचा दी। अब हम चलते हैं बाहर, चूँकि यहाँ पे हम लोगों ने कैब बुक कर रखा है। अगर आप चाहें तो आपको यहाँ से शेयर टैक्सी भी मिल जाएगी जो 200 रुपये लेगी और कैंची धाम आपको छोड़ देगी। चूँकि हम 4 हैं टोटल, तो हमने पहले से ही कैब बुक कर लिया था, चूँकि हम लोग आते रहते हैं तो कैब वाले से जान पहचान है, नंबर रखे हैं, तो आने से पहले ही हम फ़ोन कर देते हैं। दिल्ली से ही हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहती है स्टेशन के बाहर। तो ये देखिए, ये यहाँ पे हम फाइनली कैब में बैठ चुके हैं और हम अपनी यात्रा को आरंभ कर दिए। ये है सुबह की पहली चाय कटारा के साथ। हमारे साथ रहो, ऐसे ही करोगे। और एक छोटा स्टॉप और एक टेस्टी चाय पीने के बाद हम लोगों की यात्रा फिर से आरंभ हो चुकी है। अब देखिए, अब हम लोग वादियों में आ चुके हैं, पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं सुबह सुबह। अब बहुत ही जल्द हम लोग कैंची धाम पहुंचने वाले हैं और बाबा के दर्शन करने वाले हैं। उससे पहले आप ये खूबसूरत वादियों का दीदार कीजिए। अगर आप लोग भी हमारी तरह एक दिन में दिल्ली से कैंची धाम आके दर्शन करके वापस जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली से रात 10 बजे ट्रेन पकड़िए, सुबह सुबह काठगोदाम आइए और वहाँ से 200 रुपये की शेयरिंग टैक्सी लीजिए और अगले 2 से 2.5 घंटे में आप कैंची धाम पहुँच जाएंगे। वहाँ पे बाबा के दर्शन कीजिए, फिर
आप चाहें तो नैनीताल भी घूम सकते हैं, नैनीताल घूमिए, वहाँ पे नैना देवी के दर्शन कीजिए और फिर शाम को बस पकड़कर वापस देर रात तक आप दिल्ली पहुँच सकते हैं। क्योंकि हम लोग भी आज पूरा दिन घूमने के बाद शाम को बस पकड़कर वापस दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। और ये देखिए फाइनली हम आ चुके हैं कैंची धाम, सामने आपको बाबा का आश्रम दिख रहा होगा। हम दर्शन करें उससे पहले आप ये देखिए यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, ये कैंची धाम की वादियाँ हैं। सुबह सुबह सूरज देवता निकल रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं एक जगह पे स्नान वगैरह करने के लिए। दर्शन करने से पहले हम यहीं पे स्नान करेंगे। स्नान करने के लिए 100 रुपया पर पर्सन यहाँ चार्ज लगता है और आप वहाँ पर नहा के सामान वामान रख के दर्शन कर सकते हैं बाबा की। और यहाँ पर एक स्टैंड है, यहाँ पर आप अपना चप्पल जूता और सामान को रख सकते हैं और यहीं से आप प्रसाद भी ले सकते हैं बाबा को चढ़ाने के लिए। यहाँ पे कंबल चढ़ाने की भी प्रथा है, आप चाहें तो यहीं से आपको कंबल भी मिल जाएगा। तो यहीं पर हम लोगों ने प्रसाद लिया और अब हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर। ये देख सकते हैं कैंची धाम आश्रम का मुख्य प्रवेश द्वार है, इसी द्वार से अंदर चलेंगे बाबा के दर्शन करने। ये सामने आपको वाइट गुंबज दिख रहा होगा, उसी में नीम करवली बाबा की एक बहुत ही दिव्य प्रतिमा है, वहीं पे बाबा के दर्शन होते हैं। और इन्हीं रास्तों से होते हुए आप मंदिर में जाकर बाबा के दर्शन कर पाएंगे। हम लोग भी इसी रास्ते से चलेंगे अंदर और बाबा के दर्शन करेंगे। क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो जहाँ तक वीडियो बन पाएगा वहाँ तक हम आपको दिखलाएँगे। तो महाराज जी के दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा दिव्य दर्शन हुआ महाराज जी के, ये आप देख सकते हैं। और ये बाहर ये दुकानों में महाराज जी के फोटो और बहुत अच्छे अच्छे उनकी पेंटिंग यहाँ पर मिल जाएगी। आप चाहे तो यहाँ से इसको खरीद के अपने साथ स्मृति स्वरूप ले के जा भी सकते हैं। और अब हम लोग चल रहे हैं उस मंदिर में जिसे नीम करौली बाबा ने बनवाया था, एक नैनीताल में ही स्थित संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर जिसकी स्थापना नीम करौली बाबा ने की थी। तो हम अब वहां चलेंगे और संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करेंगे। वहां जाते समय ये टॉप से व्यू आया बाबा का आश्रम का, ये खूबसूरत दृश्य आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं संकट मोचन मंदिर और वहाँ पे कराते हैं संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन, जिसे नीम करौली बाबा ने जिस मंदिर की स्थापना की थी। पहाड़ के बिल्कुल चोटी पर स्थित है ये मंदिर, आप देख सकते हैं। ये हम आ चुके हैं उस मंदिर में जिसे संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे नीम करौली बाबा ने बनवाया था। ये देखिए ये है श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर और इसी मंदिर की स्थापना ऐसा माना जाता है कि नीम करौली बाबा ने यहाँ पे करवाया था। कैंची धाम में तो उनका आश्रम है और ये नैनीताल के मवाली में ये मंदिर है जहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। डेली अपडेट के लिए इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग में इतना ही, जल्द मिलते हैं आपको नैनीताल और नैना देवी माता के दर्शन वाले ब्लॉग को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा।